गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का क्वेश्चन हम देखते हैं क्लास टेंथ का 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, लिखा है 6x² - 3 - 7x। तो पहले ये हमें ऐसे अरेंज करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या बताया था, ax² + -bx + -c = 0, राइट। इस फॉर्मेट पे होना चाहिए, तो ये सीक्वेंस सही नहीं है, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। यानी ए एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए माइनस वाले पहले आ जाएगा, माइनस का 7x, और ये -3 है तो -3। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ए क्या दे रखा है 6, बी क्या दे रखा है यानी माइनस का 7, सी क्या दे रखा है माइनस का 3। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए कितना दे रखा है यानी आप देख सकते हैं, ए दे रखा है 6 और सी कितना दे रखा है माइनस के 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18, माइनस 18 का ऐसे दो फैक्टर करना है जो प्लस माइनस करने पे ये माइनस का 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 18 आनी चाहिए। तो बताइए कौन कौन सा हो सकता है, आप फैक्टर करके देख सकते हैं। एक आप 9 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं, तो 9 2 18 हो जाएगा। क्या इसे प्लस माइनस करने पर माइनस का 7 आएगा? तो हाँ बिल्कुल, माइनस का अगर 9 रख देंगे, इसे प्लस रख देंगे, तो प्लस माइनस करके क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, माइनस का 18। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 6x² और -7x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9x और प्लस का 2x - 3। अब 6x और 9x में कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन तो एक है 3x, राइट। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2 है, तो 1x कैंसिल, तो x माइनस 3 3 जाना है, तो ये 3 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2x और 3 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो 1 मान सकते हैं, तो अगेन 2x आ जाएगा, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -3, राइट। तो ये वाली वैल्यू और ये ब्रैकेट सेम है, तो आंसर यानी हमारा सही है, तो 1 आ जाएगा 2x - 3 और एक क्या आ जाएगा 3x, यानी ये वाला 3x और +1, राइट। यहाँ से हम दो वैल्यू निकाल लेते हैं x और के, तो 2x - 3 = 0, राइट। तो 2x = 0, ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस के 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2, एक x की वैल्यू 3/2 आ गया। अब यहाँ से निकालते 3x + 1 = 0, तो 3x = 0, ये प्लस का है +1, तो इधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो x = -1/3, राइट। ये सेकेंड x की वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम इसे वेरीफाई कर लेते, वेरीफाई यानी वेरीफाई योर आंसर, राइट। तो यहाँ पर दो कंडीशन यानी पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक के बीच, तो एक था सम ऑफ जीरोज, राइट, सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला था, -b/a। तो सम ऑफ जीरोज जो एक ये आया है, इसे सम करना, यानी 3/2 + -1/3, इसे ब्रैकेट में बंद कर देना, -, है b की वैल्यू क्या आया था, माइनस का 7, तो ब्रैकेट में माइनस का 7 अपॉन में a की वैल्यू क्या आया था यानी 6, तो 6। अब सॉल्व करना है, यानी 3/2 + अब ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -1/3, राइट। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +7/6, राइट। तो इसे सॉल्व करना है, यानी एलसीएम लेके, तो दोनों 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब इसे 2 को 3 से डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, -3 को 6 से डिवाइड देंगे 2 = 7/6, राइट। तो इसे माइनस करेंगे, 9 - 2 जाएगा, कितना आएगा 7/6 = 7/6। तो ये तो सही आ गया, LHS = RHS, राइट। अब इसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्मूला क्या था, यानी C/A, और प्रोडक्ट दोनों कर देना, एक x की वैल्यू क्या आया था यानी 3/2 मल्टीप्लाई सेकेंड क्या आया था, -1/3 = C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर -3 है, -3, और A की वैल्यू क्या आया था, 6 आया था, तो यहाँ पे पुट कर दे 6। अब इसे मल्टीप्लाई करना, आप देखिए मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1/2 = अब इसे भी डिवाइड कर सकते, 3 से 3 ये कैंसिल, तो 3 1 3 / 2, तो ये क्या आ गया, -1/2। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ